हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिटनेस R7। आज हम करने वाले हैं एब्स के लिए 5 बेस्ट एक्सरसाइज ओनली 3 मिनट्स में। एब्स की 5 एक्सरसाइज हम करेंगे बैक टू बैक। हर एक्सरसाइज को 30 सेकंड्स के लिए परफॉर्म करेंगे और हर एक्सरसाइज के बाद में हमें 10 सेकंड रेस्ट करना है। हमारी पहली एक्सरसाइज होगी रेगुलर क्रंचेस 30 सेकंड्स के लिए, दूसरी एक्सरसाइज करेंगे बाइसिकल क्रंचेस 30 सेकंड्स के लिए, तीसरी एक्सरसाइज करेंगे क्रॉस क्रंचेस, चौथी एक्सरसाइज होगी लेग रेजेस और पांचवी और लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे प्लैंक 1 मिनट की। ये हमारी पहली एक्सरसाइज रेगुलर क्रंचेस, ये हमें 30 सेकंड्स के लिए करना है। फ्रेंड्स, एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आप चाहे जितना एक्सरसाइज कर लें, जितना आप एब्स को ट्रेन कर लें, लेकिन आपका एब्स जो रियली तैयार होता है वो आपके किचन में तैयार होता है। जी हाँ, मींस आपको डाइट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप डाइट पर फुल फोकस करें। 30 सेकंड रेगुलर क्रंचेस करने के बाद में हमें 10 सेकंड रेस्ट करना है, लेकिन ये 10 सेकंड में हम बिल्कुल रिलैक्स नहीं होंगे। हमें अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तैयारी करना है। इसके बाद में हमें परफॉर्म करना है बाइसाइकिल क्रंचेस 30 सेकंड्स के लिए, तो हम उसके लिए बिल्कुल भी तैयार हो जाएंगे। ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको एब्स पर और अपने कोर में बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस होगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहना है। लास्ट 5 सेकंड, इसके बाद में हम करेंगे 10 सेकंड रेस्ट। 10 सेकंड रेस्ट में हम अपने आप को नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करेंगे और हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्रॉस क्रंचेस। बिल्कुल इसी तरह क्रॉस क्रंचेस परफॉर्म करते रहें 30 सेकंड्स के लिए। बिल्कुल भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है। हमें डेफिनेटली पेन होगा, लेकिन वो पेन हमारे फैट को, हमारी कैलोरीज को बर्न करेगा। लास्ट 10 सेकंड्स, इसके बाद में हम 10 सेकंड रेस्ट करेंगे और हमारी अगली एक्सरसाइज की तैयारी करेंगे। इसके बाद हमें परफॉर्म करना है लेग रेजेस। लेग रेजेस परफॉर्म करते टाइम आप अपने दोनों हाथ को अपने हिप के नीचे सपोर्ट दें, ताकि आप अपने आप को लोअर बैक पेन से बचा सकें। और बिल्कुल इसी तरह कंटिन्यूसली 30 सेकंड्स के लिए परफॉर्म करते रहें लेग रेजेस। अब लास्ट 5 सेकंड्स और 30 सेकंड्स की ये हमारी चौथी एक्सरसाइज थी। इसके बाद में हमें परफॉर्म करना है एल्बो प्लैंक। अब हम परफॉर्म कर रहे हैं एल्बो प्लैंक। ये आपकी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। यूजुअली हम इसे परफॉर्म करते हैं हमारी कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, बट आप अगर इसमें नोटिस करेंगे तो आपकी शोल्डर, आपके लेग्स में आपकी हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, ग्लूट्स, मीन्स कि जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी ओवरऑल बॉडी श्रिंक होती है। बिगिनर्स इसे मॉडिफाइड कर सकते हैं। आप स्ट्रेट आर्म प्लैंक करें। अगर आप एल्बो प्लैंक नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रही है, तो आप स्ट्रेट आर्म प्लैंक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो 5 एक्सरसाइज जो आपको परफॉर्म करना है। मैंने आपको एक एक सेट का डेमो बताया है, आपको ये 4 सेट्स परफॉर्म करने हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें मेरे वीडियो को उनके साथ जिन्हें आप फिट देखना चाहते हो, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।